Hey, what's up, people? So, आज दार्जिलिंग में लास्ट डे है हमारा और रोप वे में जाएंगे. यहाँ से पूरा दार्जिलिंग दिखेगा. पूरा हाइट है, मतलब अच्छा खासा हाइट है जो इंडिया का सबसे बड़ा है शायद. नेपाल मार्केट जाएंगे. नेपाल मार्केट में आपको दिखाऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें. नेपाल काफ़ी एंटिक चीज़ें होती है नेपाल मार्केट में, तो ऐसा सुना मैंने. आज देखूँगा और आपको बताऊँगा. फिलहाल आज तो लास्ट डे है हमारा दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में. आज हम शाम को निकल जाएंगे कैलकटा के लिए. वहाँ पे एक दिन रहेंगे कैलकटा में. तो आप कैलकटा भी नहीं गया हूँ मैं, तो कैलकटा भी एक नया एडवेंचर रहेगा. जो भी रहेगा नया एक्सपीरियंस मिलेगा कैलकटा. आज ठंड है यार काफ़ी. आज फ्रीज हो रहा है फिर भी मैंने मुझे ब्लॉग करना है, तो कैमरा मैंने पकड़ने के लिए नहीं पहना ग्लव्स. और तब तक देखते हैं. चलो बाय, सी यू. सो फाइनली हम दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में नहीं बैठ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. हमें अभी पता चला यहाँ पे बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन और टिकट्स ऐसे नहीं मिलते हैं. और हमने सोचा कि हम आएंगे और ट्रेन में बैठेंगे जैसे मुंबई लोकल समझ के गए थे, पर कुछ नहीं यहाँ पे. हमें सब अनफॉर्चुनेटली हमें कल का मिल रहा है, जो कि हम कल नहीं आ सकते क्योंकि हम कल कोलकाता में होंगे. ट्रेन स्टार्ट होने वाली है अभी थोड़ी देर में, बट हम कुछ नहीं कर सकते, खाली फोटो खिंचा सकते हैं. तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है ऑलरेडी, हमें पता नहीं था. ऐसा फटाक से टिकट नहीं मिलता. हम लोग को लगा ये लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन जैसा होगा. जाएंगे टिकट लेंगे, ग्राउंड मारेंगे. और ड्राइवर काफी गुस्सा हो गया. मुझे भी टोल चाहिए. India Nepal border. We are entering in Nepal, so you can see the bow. Welcome. Welcome to Nepal. तो ये ट्रिप में मेरे को खुद को नहीं पता था कि हम नेपाल भी जा रहे हैं. बट अभी नेपाल में हम एक दिन रुकेंगे. सो अभी हम यहाँ से टैक्सी लेंगे और नेपाल मार्केट जाएंगे. नेपाल मार्केट दूर है ना यहाँ से? टैक्सी लेना पड़ेगा ना सबको. ओके, तो हमें टैक्सी लेके नेपाल मार्केट जाना है. वहाँ पे शॉपिंग करेंगे और एंजॉय करेंगे. ठंडी है काफ़ी. हाँ तो शिवर हो रहा है, हवा चल रही है. सो फाइनली वी आर एंटरिंग. कितना किलोमीटर है भाई यहाँ से? डेढ़ किलोमीटर नीचे है. देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पे. सो फाइनली मार्केट पहुँच चुके हैं. पता नहीं हमें सस्ते मिलते हैं, क्या मिलता है कुछ आइडिया नहीं है. लेट्स सी, नेपाल मार्केट भी देख लेते कैसा होता है. लेदर जैकेट भी है. यहाँ पे शूज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं. यहाँ पे बाकी लोग शॉपिंग कर रहे हैं. जैकेट्स मैं आगे जाता हूँ. जैकेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा, शूज़ में इंटरेस्ट है मुझे. वैसे मार्केट काफ़ी बड़ा है. हमारे पास पैसे नहीं है यार, सब पैसे खत्म हो गए. हार्डली मेरे पास 1000 रुपये रहेंगे अभी. नेपाली से 3200 निकालेंगे तो हमारा 2000 कटेगा यहाँ के ATM से. चलो देखते हैं, निकालते हैं, यहाँ भी ट्राई करते हैं नेपाली रुपी. तभी मैं सोचूँ नेपाल मार्केट में सब शॉपिंग करने की बात है, अभी पता चला.
यहाँ पे कॉस्मेटिक भी बहुत सस्ते हैं, मतलब जो लैक्मे के ओरिजिनल है, ओरिजिनल है या नहीं पता नहीं, लैक्मे के जो ओरिजिनल है वो जो मुंबई में 500 का 500 का मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे 100 rupees का मिल रहा था। तो आई डोंट नो, उसने बोला तो ओरिजिनल है, आई डोंट नो, बट जो भी अच्छे हैं कलेक्शंस वो कार्ड चलता है। अरे यार यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कार्ड नहीं चल रहा है, हम कुछ ले नहीं पा रहे यार, कैश हमारे पास है नहीं। ज़्यादा जैकेट देखो, जैकेट काफ़ी सेक्सी है। सो फाइनली हमें एटीएम मिल गया है। सो कार्तिक निकाल रहा है एटीएम से पैसे और हमें ये गाइड कर रहे हैं यहाँ के सिक्योरिटी, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे निकालना है, क्या निकालना है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा कार्ड वैलिड नहीं है नेपाल और भूटान में चलने के लिए, और हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं है अभी, हम ऐसा लगता है गरीब हो गए, हम गरीब हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। चलो ऊपर जाके भाई किसी उधार लेते हैं, वही करना पड़ेगा। सो यहाँ के, सो यहाँ का मार्केट ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं था, छोटा ही था, अच्छा था, पर बात वही है हमारे पास पैसे नहीं है। शिट, हमारी गलती, हमको कैश कैरी करना चाहिए। हम आज बहुत गरीब फील कर रहे हैं, बट कोई नहीं, अभी मार्केट काफ़ी मतलब ठंडा है, मतलब एक्चुअल में ठंडा है और वैसे भी ठंडा है, क्योंकि लोग भी नहीं कम है और टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा है, और मैं स्लोप चढ़ रहा हूँ, मेरे सांस फूल रही है। सो फाइनली हम कुछ खाने जा रहे हैं, होटल ढुकी अब एंटर कर रहे हैं। यहाँ आपको यहाँ पे क्या अच्छा मिलेगा मिठाई का? छोला भटूरे और समोसा गरम मिलेगा, आलू चॉप मिलेगा। छोले मेरे को एक छोले भटूरे कर देना, मेरे को गुलाब जामुन कर देना, एक ही देना मेरे को प्लीज। तो हम खा रहा हूँ छोले भटूरे और रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो ऑलरेडी मिलता है, बट ठीक है, कुछ यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था। डुक डुकी में हम खा रहे हैं छोले भटूरे, फाइनली खा रहा हूँ फॉरेन का खाना। और मैं खा रहा हूँ गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला भाई, तो एक खाएंगे फिर। बढ़िया तो है, अच्छा सच में बढ़िया, काफ़ी मजा आ गया। सो गाइस फाइनली हम लोग ने एक लेदर जैकेट लिया और मैंने एक ये आपके दुकान का नाम बता दो, डेनिम लिया, शक्ल देख लो, सबिन स्टोर, और इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, काफी अच्छा डिस्काउंट दिया, बहुत हेल्प, हां मैं सच बता रहा हूं, जैसे आप लोगों को पहले बता दें हमारे पास पैसे नहीं थे, एटीएम भी चल नहीं रहे थे, तो अंकल ने जितना हमारे पास था उतने में दे दिया, एडजस्ट करके दे दिया, थैंक यू अंकल, थैंक यू यार, वेलकम। और ये काफी अच्छा है, मैं पहनूंगा, जब पहनूंगा तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि नेपाल से स्पेशली लिया था मैंने। थैंक यू अंकल, थैंक यू, वेलकम। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, पक्का पक्का, थैंक यू सो मच, आइएगा पक्का अंकल, नेपाल में घूमेंगे, नेपाल यूट्यूब में जरूर देखिएगा, टाइम निकाल कर आइएगा, नेपाल का जगह यहाँ से आधा घंटा, कितना अच्छा जगह है, वापस आने के दिल, वर्ल्ड का टूरिस्ट लोग उधर क्या है वहाँ पे, गाइस जरूर नेपाल विजिट करना, टी गार्डन वगैरह, इतना नेक्स्ट टाइम आइएगा, स्टार्ट है दार्जिलिंग से होते होकर आते हैं, एक दिन रुकने के लिए आइएगा, अच्छा, और ये दोस्ती आ रही है, अरे पक्का पक्का, प्रॉब्लम नहीं है आपका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खर्च नहीं पड़ेगा, हम लोग भी नेपाल के हैं, अच्छा, जाएंगे नेपाल से यहाँ होकर घूम के आएंगे, क्या बात है, बाकी कोई नहीं भाई, सिर्फ हमारे लिए था, आप आना तो जरूर पूरे पैसे देना, ठीक है, थैंक यू अंकल। सो फाइनली शॉपिंग हो गया, काफी अंकल से डिस्काउंट कराया, अंकल मान ही नहीं रहते, मान ही नहीं रहते, हमारे पैसे ही नहीं, सच में पैसे नहीं है, अब टैक्सी का कौन दे भरेगा, वही सबसे बड़ी बात है, यहाँ से टैक्सी का 200 रुपये लगेंगे हमारे, और 200 रुपये भी हमारे पास है नहीं, ठंडी बढ़ रही है, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग शॉपिंग करने जाने वाले हैं, हमें पता नहीं था हमें कि हम ऐसा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। सो मैंने जैकेट लिया, अमित ने शूज़ लिया, वीडियो में ज़रूर देखेगा ये शूज़, और कार्तिक ने लेदर जैकेट लिया अपने लिए, और हमारे पास किसी का कुछ पैसे नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, जैकेट तो अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिया, पता नहीं अभी वो कितना टिकता है, लेट्स सी, ट्राई करना था, नेपाल पे रोज़ रोज़ तो आते नहीं है, नहीं
दीदी के पास नहीं जाना चाहती। बच्चे मेरे को बहुत पसंद है बट अच्छा कैमरे में बताओ फिर आएगा। अंडे आप नेपाल के हो कि इंडिया के हो? कहाँ से? हम दिल्ली से हो। सही है, तो आप यहाँ पे नेपाल आना कैसे हुआ? बस ऐसे घूमते आ गया। घूम के आ गया इधर, किसी को पसंद कर लिया, आ गया बड़ा सा बिजनेस सेटल किया। अच्छा बिजनेस सेटल किया। अच्छा है यहाँ पे ये लोग कुछ एंटिक चीज ले रही है। Hi, what's up? हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग, कप्स ले रहे। पैसे तुम्हारे पास? कैशलेस हो गए थे, फिर शॉपिंग कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कार्ड भी नहीं चल रहा है। और ये मैम डिस्काउंट नहीं दे रही है। और ये मैम डिस्काउंट नहीं दे रही है। मैम प्लीज डिस्काउंट दे, इंडिया से ये है वो मैम, यही है, यही है वो मैम जो डिस्काउंट नहीं देती। यूट्यूब क्रॉकरीज, ओ ड्रैगन क्रॉकरीज, कप ऑफ मतलब डायरेक्ट इन शॉर्ट। मैम ने बहुत ज्यादा शॉपिंग है ऐसा लग रहा है, उनकी थैली सबसे बड़ी है। How much? 1000 rupees. Kuch discount kara aapne? I don't bargain. Oh, so finally sab shopping ho gayi. Aur ye market ka naam hai Pashupati Market. Aur kyunki yahan se aadhe ghante ke raste pe Pashupati Mandir hai. Wo bhi dekhna tha yaar. Wo bhi dekhna tha par hamare paas time bilkul nahi hai. Sab hamari gaadi wait kar rahi hai. इनके पास पैसे है, टैक्सी का ये देने वाला है फिलहाल, तो हम लोग पैसे नहीं है, पैसे है नहीं हम लोग के पास, देख लिया भाई। सो डन विद द शॉपिंग एंड वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। यहाँ के सब लोग टैंक के इंडिया स्पेंड थे। फैन ब्रो पेंसिल इधर है। स्टोन कैंडी, स्टोन कैंडी, ये क्या होता है? स्टोन जैसे दिखता है, स्टोन है, स्वीट होता है। ओके ये देखा वो देखता था बड़ा रहा। हमारे पीछे इंडिया है बोलने में अजीब लग रहा है। हट्टे हमारे पीछे इंडिया है, मैं नेपाल में अभी, यहां पे दारू सस्ता मिलता है कि पता नहीं। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, टाटा बाय बाय नेपाल, बाय बाय। सो गाइस हमारा फॉरेन ट्रिप बहुत ऑसम था, बहुत ही ऑसम था हमारा फॉरेन ट्रिप। हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया था। इतनी जल्दी फॉरेन ट्रिप किया था, एक घंटे में हम दो घंटे में वापस आ गए। फास्टेस्ट फॉरेन ट्रिप होगा आज तक का। इंटरनेशनल रोमिंग में मैंने एक बार कॉल भी किया। बहुत सारे शॉपिंग किया हमने, बहुत सारा नहीं एक ही है। Finally, now we are at Merrick Lake, and you can see the fish. ये golden temple वाली है। तोड़ के, तोड़ के। ये देख, ये देख, ये देख। ओह। ओह ओह। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं हमारे। सो गाइज हम मेरिक लेक में हैं और यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है क्लाइमेट, मेरे को लग रहा होगा यहाँ पे 4-5 degrees ज़रूर होगा क्योंकि काफ़ी ठंडा है। अभी हम एंटर कर रहे हैं लेक के वो साइड। सो काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ का क्लाइमेट, मतलब सेक्सी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। गाइज शाम होने आ गया, यहाँ पे जल्दी रात हो जाती है तो अंधेरा हो गया तो हॉर्स राइड ज़रूर कर देते हैं। सो गाइज हम रोप वे गए, हम आप सोच रहे कि हम रोप वे नहीं गए, रोप वे क्योंकि बंद था अनफॉर्चुनेटली, हमें
नहीं मिला चांस रोपवे करने का यहाँ पे दार्जिलिंग का स्पेशल। आज का हमारा लास्ट होगा दार्जिलिंग का। काफ़ी प्लेजेंट है दार्जिलिंग, मतलब आप देख सकते हैं, आपको आपने देखा ही होगा। हमारा नेक्स्ट प्लान है हम जाएंगे कोलकाता। कोलकाता हमारे एक दिन के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया ट्रिप में, काफ़ी कुछ नया चीज़ देखी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा, फैक्ट है, देखा तो देखा, ऐसे जा रहा है। थोड़ा अच्छा लाइट होता तो मैं ज़रूर हॉर्स राइड करता, बट यहाँ पे लाइट नहीं है और शूट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जर्नी बहुत अच्छा था, मज़ा आया। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह, मतलब नाच भी गया वहाँ पे वो साइड, बट मैं नहीं जा रहा वहाँ पे,